सिकंदरागढ़ में शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार तो मुहैया करा रही है, लेकिन समय पर उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मासबरस के आश्रित ग्राम पुल गाँव बेहर बेड़ा मासबरस की, जहाँ के ग्रामीण 2 वर्ष पहले रोजगार गारंटी के तहत समतलीकरण सड़क निर्माण में मजदूरी का कार्य करे थे, जिन्हें पैसे के लिए पिछले 2 वर्षों से पंचायत सहित जन प्रतिनिधियों व बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे तैसे कर मजदूरी कर अपना जीवन यापन चलाते हैं, ऐसे में मजदूरी करने के बाद भी उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिलता है तो वो कैसे अपना जीवन चलाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें यह कह मजदूरी कार्य करवाया गया था कि उन्हें तत्काल बैंक खाते में उनका मजदूरी भुगतान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अब तक उन्हें मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। मजदूर नरेंद्र सरस्वती ने बताया कि 2017 में व 2018 में मजदूरी का कार्य किया था, जिसके भुगतान अब तक उसे प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार राम प्रसाद को 1 वर्ष से मजदूरी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार से और कई मजदूरों ने भी कार्य किया जिसका आज तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का कड़ा सामना करना पड़ रहा है। जब ग्राम सरपंच मासबरस की सरपंच अनीता उइके से बात की गई तो उन्होंने सचिव और रोजगार सहायक पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, सचिव और रोजगार सहायक ही बता पाएंगे। जब इस मामले के संबंध में जनपद पंचायत अंतागढ़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी के गुप्ता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्या समस्या है आपको, क्या बता रहे हैं? मैंने बोर्ड बिल पे का बोर्ड चालू कर सन साहब होकर हर साल पैसा मिला त्री से, पहले सरपंच बन दी थ्री, नवी सरपंच बनी समस्या को पैसा नहीं दी। अच्छा, नल जल योजना की बोर्ड चालू करते थे गाँव में यूज करने के लिए, उसका पैसा आप लोगों को पंचायत के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। कब से नहीं दिया जा रहा है? 5 सालों से सर, एक काल काल में एक को पैसे नहीं मिले। अच्छा, 2015 की जो कार्यकाल है वहाँ से आज दिनांक तक नहीं मिली है। अच्छा, इस संबंध में आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? ठीक है, इसमें नल जल योजना की जो पाइपलाइन अभी कहाँ तक पहुँची है? अभी स्कूल पारा में हो गया है। 26/11/2019 को आपके यहाँ ग्राम सभा होनी थी, ग्राम सभा क्यों नहीं किया गया, जबकि यहाँ ग्राम सभा ग्रामीण स्तर में चाहे वो कुछ भी हो, उधर विधानसभा हो जैसा भी हो, लेकिन ग्राम सभा को ही प्राथमिकता दिया जाता है शासन की ओर से, लेकिन आपके ग्राम पंचायत में 26 को नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? अगर 26 को नहीं किया गया तो 27, 28 या किसी भी दिन भी किया जा सकता था, लेकिन आज तक आपके यहाँ ग्राम सभा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस दिन हड़ताल के लिए बुनियादी किया गया था, जो ट्रक 4 गाँव से इधर माइंस वाला जो आना जाना करते हैं तो रोकथाम के लिए, तो हम लोग सोचे कि आज ग्राम सभा नहीं करेंगे, कल करेंगे ऐसे करके। तो उसके दूसरे दिन से मतदाता सूची में जो नाम इधर उधर हो गया था, जिसका जिसका नाम छूटा था, तो तहसीलदार मैडम ने कहा कि जनपद में बैठकर बनाओ तुरंत ऐसे करके, तो 3 दिन तक उसी को बनाया गया है। मैडम, एक बात और आई है कि सोमलाल के खाता में, जो कि काम भी नहीं किया है, उसके खाता में आपके रोजगार सहायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उसके खाता में राशि 4 सप्ताह का राशि डालो, ऐसा क्यों? उसके बारे में नहीं जानती सर। ब्रातुराम पिता बुधराम मासबरस के यहाँ निजी डबरी खना गया, जिसको जेसीबी के माध्यम से करवाया गया है, क्या उनमें मजदूरों का कार्य नहीं था? था सर, लेकिन वो खुद से करवाया कि किसके माध्यम से करवाया ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो मजदूर लगे थे तब मेरे को पता चला, और जेसीबी के बारे में नहीं जानती। और एक बात और सामने आ रही कि आपने 73 शौचालय का बिना अनुमति से, बिना किसी का अनुमोदन से, चौधरी का 3.5 लाख रुपया निकालकर आप शौचालय में लगाए। ये ग्राम सभा के अनुमोदन के द्वारा बंटवाया गया है, चेक काटा गया है। क्या इसमें सीओ साहब भी इन्वॉल्व हैं? हाँ, सीओ सर के परमिशन से ही हुआ और ग्राम सभा के अनुमोदन से ही हुआ है, और समस्त ग्रामवासियों ने ही सलाह दिया है कि हमको पैसा चाहिए ऐसे करके। मजदूरों का कहना है कि उनको 2017 का समतलीकरण का कुछ हितग्राही थे आपके गांव में जी। उनका समतलीकरण का पैसा अभी तक नहीं मिला है जी। सर, एक्सिस बैंक के माध्यम से FDO द्वारा भुगतान की जा चुकी है,
जो कि 2017 से अकाउंट को ब्लॉक कर दिए एक्सिस बैंक, और साथ में हम लोग जब ब्लॉक खुलवाने के लिए गए सर जी तो वहाँ मतलब ब्लॉक नहीं खुले, और 2018 जैसे पहुँचा तो अकाउंट को बंद कर दिया गया। अच्छा, सोमलाल के खाते में आपने कितना पैसा डाले, जो कि सोमलाल काम करने भी नहीं गए बता रहे हैं। सर जी उसकी बीवी जो है सुहद्रा बाई, तो वो जो संबंधित निजी डबरी में काम कर रहे थे, जो कि उसका एक्सिस बैंक के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अभी पेमेंट जो बचा है उसके लिए क्या करेंगे? सर जी अभी जो पेमेंट बचा है उसके लिए संबंधित मजदूरों का अकाउंट चेक कर अपन जनपद पंचायत नरेगा शाखा द्वारा पूरी जानकारी ली जाएगी। नरवा गरवा घुरवा जो कार्यक्रम जो चल रही है भारत सरकार की, उसमें भी काम किए हैं, उसका भी राशि अभी तक नहीं मिला है बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर जी मजदूरी, मजदूरी सर जी मजदूरी 11 और 12 को एफटीओ द्वारा प्रोसेस दिखाई जा रही है, जो कि मजदूर का कहना है कि अभी मतलब हमारे खाते में नहीं आई है, तो हमें ये कहना है कि साथ साथ में उसके अकाउंट चेक करके साथ में अपन जनपद द्वारा दिखाएंगे और वास्तव में मजदूर को अवगत करवाएंगे कि वास्तव में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। मजदूर लोग कह रहे हैं कि हम बैंक में जाकर के देखे हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि तुम्हारे खाता में पैसा नहीं है, तो हम बैंक वाले से बोलेंगे सर कि स्टेटमेंट हमको चाहिए, जब स्टेटमेंट चाहिएगा रहेगा तब संबंधित मजदूर भी जागरूक होगा सर कि वास्तव में मतलब भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। 2017 का इन लोगों का मजदूरी दर बैठा है बचा है, जब मजदूर है लोग अभी उनको जीवन यापन करने के लिए तकलीफ हो रही है, उस परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? सर जो एक्सिस बैंक से मतलब गुहार लगाना चाहिए सर कि कितना मतलब भुगतान को किया है या नहीं किया है। जब आप तत्काल में किसी सेठ के यहाँ से मटेरियल कुछ सामग्री का मटेरियल लाते हैं सामान बनाने के लिए, तो उनका पेमेंट जल्दी कर देते हो, लेकिन मजदूरों का क्यों नहीं करते हो? सर वो राज्य शासन के बजट अनुसार है, जो कि नरवा गरवा कार्यक्रम के अंतर्गत भी मटेरियल का मतलब पहले पेमेंट किए थे सर, और मजदूरी का 2 महीने के बाद आया है। जब आप लोग दूसरी योजना का पैसा को आहरण करके दूसरी योजना में लगाते हैं, तो क्या आप लोग पेमेंट करने के लिए मजदूरों का पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या परेशानी आता है? सॉरी सर इसके बारे में कोई कॉल नहीं, क्योंकि मैं रोजगार साहब। का नाम है बाबा जी? बुराधराम। पिता नाम? उदराम। ये तालाब आप मन कह रहे? आओ। कितना राशि आ रही से तालाब में बनाए बर? 2.5 लाख। कितना पैसा मिली से आप मन अभी तक? 12,000 मिले रही इसका आते। और बाकी पैसा? बाकी पैसा नहीं मिली से। कब कह रहे हो रहे? कौन सन के आए वो? 15 के। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।